सबसे पहले रजत जयंती का केक काटा जा रहा है फादर फ्रांसिस के द्वारा। सब पर ताली बजाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग जोहार। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही खास है। आज हम आप लोगों को मेरे इस ब्लॉग वीडियो में दिखाने वाले हैं जमशेदपुर डायसिस के फादर फ्रांसिस बोदरा का, जो कि आज 25वीं सालगिरह आज मनाने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे ब्लॉग चैनल में आप सबों का, और बहुत दिन के बाद में मेरा ये ब्लॉग वीडियो आ रहा है। तो दोस्तों, अभी काफ़ी बिजी हूँ, इसी के लिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं लेके लाऊँ। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ CKP यानी कि चिकलधरपुर, और आज चिकलधरपुर में ही हमारे फादर फ्रांसिस बोदरा के प्रांगण से आज मिसा होगा और बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ में ऐसे ब्लॉग में बने रहिए और आज के इस ब्लॉग का आनंद लीजिए। तो चलिए, बने रहिए वही बाबू के साथ में।
फादर जेरोम कुटिना येसु समाज प्रोविंसियल जमशेदपुर प्रोविंस ये किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए। श्रद्धेय फादर ज्ञान प्रकाश कुजूर येसु समाज प्रोविंसियल के सहायक विभिन्न धर्म संघ से आए सभी धर्म बंधु पुरोहितगण सभी धर्म बहने दूर दराज से आए प्रियजन मेरे माता पिता भाई बहन हम सभी बच्चों का इस रजत जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे प्रिय फादर को रजत जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। वह तालाब तालाब नहीं जिसमें पानी ना हो वह तालाब तालाब नहीं जिसमें पानी ना हो वह विद्यालय विद्यालय नहीं जिसमें शिक्षक ना हो वह कार्य कार्य नहीं जिसमें ईश्वर की आशीष ना हो। अर्थात किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले हम पिता ईश्वर का आशीर्वाद मांगते हैं और हमारे जीवन में कई बार इसको हम अनुभव कर चुके हैं तो पुनः इसको अनुभव कराने के लिए मैं यूथ के बहनों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वे अपना प्रेयर डांस लेकर के मंच पर आते हैं। सबसे पहले रजत जयंती का केक काटा जा रहा है फादर फ्रांसिस के द्वारा। सब पर ताली बजाएंगे।